दोस्तों आपने अक्सर ये देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपनी बॉडी पर एक गोल्डन या ब्राउन कलर का पेंट लगवाते हैं, और आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि ये कौन सा पेंट होता है और इसे क्यों लगवाया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉडी बिल्डर्स अपनी बॉडी पर टैन करवाते हैं, जिसके लिए वो ड्रीम टैन या प्रो टैन का इस्तेमाल करते हैं। आपने जिन भी बॉडी बिल्डर्स की स्किन पर गोल्डन चमकदार शाइन देखी होगी तो ये ड्रीम टैन का कमाल होता है, जो कि क्रीम फॉर्म में आता है, और वहीं जो ब्राउन या ब्लैक कलर होता है वो प्रो टैन के स्प्रे से आता है। अब बात यह है कि बॉडी बिल्डर्स ऐसा इसलिए करवाते हैं ताकि उनकी बॉडी की मसल्स उभर कर दिखे और मसल्स की डिटेल्स नजर आएं। दोस्तों हम कैंसर जैसी बीमारियों से तो खूब डरते हैं, लेकिन एक ऐसी भी खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में हम में से बहुत लोग अनजान हैं, और इसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इस घातक बीमारी का नाम है ब्रेन हैमरेज। सीधे शब्दों में कहें तो जो हमारे दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, यानी कोई नस फट जाती है, तो इसे ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ब्रेन हैमरेज से हमारे शरीर में पैरालिसिस यानी लकवा मार जाता है। जब हमारी नसों में फैट की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे हमारी नसों में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, जिससे ब्रेन हैमरेज की स्थिति बन जाती है। दोस्तों इसीलिए हमें बाहर का खाना कम खाना चाहिए, अपने घर का बना हेल्दी फूड खाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि हम ब्रेन हैमरेज जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार ना बने। क्या होगा अगर हम कोका कोला और मेंटोस को एक साथ खा लें? क्या इससे हमारा शरीर गुब्बारे की तरह ब्लास्ट हो जाएगा? वैसे तो आपने कई एक्सपेरिमेंट वाली वीडियोस में देखा होगा कि जब हम कोका कोला और मेंटोस को मिलाते हैं तो कुछ ऐसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले इस शख्स ने आधी बोतल कोका कोला की पी ली और उसके बाद 3 से 4 मेंटोस की गोलियां खा ली, लेकिन जैसा हमने सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ। कुछ तिगड़म होने के बजाय इस शख्स को एक लंबी सी डकार आई और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दोस्तों कॉमेंट्स में अपनी फेवरेट ड्रिंक का नाम बताइए। दोस्तों अगर आप भी एक जैकेट लवर हो तो आपने बाइकर जैकेट्स के बारे में तो सुना ही होगा या इवन ट्राई भी करा होगा, लेकिन क्या आपने बाइकर जैकेट्स के जिप पर ध्यान दिया है? आखिर बाइकर जैकेट्स की जो जिप होती है वो ऐसे डायगनल यानी टेढ़ी क्यों होती है? मतलब नॉर्मल जैकेट्स की तरह सीधी भी तो बना सकते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने का पीछे का कारण ये है कि जब भी कोई आदमी बाइक चलाता है तो जब भी वो आगे की तरफ बेंड होता है तो जैकेट्स अक्सर फूल जाती है, जिससे बाइकर को बाइक चलाने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसी का सोल्यूशन निकालते हैं, इन जैकेट्स की जो जिप होती है उसको ऐसे टेढ़ा बनाया जाता है। दोस्तों क्या हुआ जब पार्क के बीचों बीच रहस्यमय तरीके से एक सोने से बना क्यूब मिला? दोस्तों ये मामला न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क का है, जहां पार्क के बीचों बीच एक गोल्डन क्यूब मिला, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि ये क्यूब आखिर आया कहां से। तो दोस्तों आपको बता दे, इस गोल्डन क्यूब को 43 वर्षीय एक जर्मन आर्टिस्ट निकोलस कैस्टेलो ने बनाया था, जिन्होंने इसका नाम कैस्टेलो क्यूब रखा। असल में इस क्यूब को कैस्टेलो कॉइन, जो कि क्रिप्टो करेंसी है, उसे लॉन्च करने पे बनाया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोने से बने क्यूब की कीमत $11 मिलियन यानी 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।